नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मौसम पवार और आज हम बात करेंगे गाड़ियों में कितने टाइप के ट्रांसमिशन यूज़ होते हैं। यहाँ जो कार्स होती है या जो फोर व्हीलर होती है उनमें कितने प्रकार के ट्रांसमिशन का यूज़ किया जाता है। देखिए, ट्रांसमिशन का यहाँ सीधे से मतलब है कि जो गियर बॉक्स जो आपकी गाड़ी में लगा हुआ है वो कितने टाइप्स का होता है। तो चलिए मैं आज आपको जो उनके टाइप्स बताऊँगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, ट्रांसमिशन देखिए एक एमटी होता है जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसे आप और मैं बहुत पहले से ही हम देखते आ रहे हैं। फिर उसके बाद में दूसरा ट्रांसमिशन होता है एएमटी, जिसे ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन कहा जाता है। यह जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है। और तीसरा है आईएमटी, जो कि अभी आया है हाल फिलहाल में, आपको जो है हुंडई की वेन्यू या फिर किया की सोनेट गाड़ियों में देखने को मिल जाएगा। आईएमटी ट्रांसमिशन को इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन भी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें इन ट्रांसमिशन में डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको जो है उन डिफरेंस की जो है आज मैं बात बताऊंगा। और एएमटी ट्रांसमिशन जो उसी के अंदर मिले सीवीटी डीसीटी जितने भी ट्रांसमिशन है जो कि ऑटोमेटिक होते हैं, वो सारे के सारे ट्रांसमिशन जो है एएमटी के अंदर मैंने रखे हुए हैं। तो डिफरेंस जो है वो हम कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज जो है सिर्फ जो टाइप्स है और उनमें क्या क्या अंतर है आज हम उनकी बार बात करते हैं। तो देखिए, मैनुअल ट्रांसमिशन जो होता है उसमें सिंपल सा है, आपकी गाड़ी में जो है आपको एक्सीलेटर ब्रेक क्लच तीनों देखने को मिल जाएंगे, साथ ही एक गियर लीवर भी मिल जाएगा, जिसमें गियर जो है लिखे हुए रहते हैं कि आपकी गाड़ी में 5 गियर प्लस रिवर्स है या फिर 6 गियर प्लस रिवर्स है, उसे मैनुअल ट्रांसमिशन कहा जाता है। अब इसका यूज़ कैसा होता है कि आपको पहले क्लच को जो है प्रेस करना होता है, उसके बाद में आपको जो है गियर डालना होता है। आप जिस भी कंडीशन में आपकी गाड़ी है उस हिसाब से आपको गियर डालने होते हैं, फिर आपको धीरे धीरे जो है क्लच को जो है रिलीज करना होता है और एक्सीलेटर को जो है प्रेस करना होता है, तब जो है आपकी गाड़ी आगे मूव करती है। यह होता है मैनुअल ट्रांसमिशन की, यह प्रोसेस होती है। अब वही बात करें अगर एएमटी की, ऑटोमेटिक जितनी भी ट्रांसमिशन है, ये मैनुअल ट्रांसमिशन से कैसे अलग है, तो मैनुअल से देखिए एएमटी इसलिए अलग है कि सबसे पहला यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है क्लच का। अगर आप पैरों के साइड अगर देखेंगे जहाँ पर एक्सलेटर और ब्रेक होता है, तो वहाँ पर आपको जो है एएमटी गाड़ियों में क्लच नहीं मिलेगा। अगर आपको एएमटी गाड़ियों में वहाँ क्लच नहीं दिख रहा है, तो आप सिंपल सा समझ सकते हैं कि यह गाड़ी ऑटोमेटिक है। तो पहला फर्क ये हो गया कि ऑटोमेटिक गाड़ी में आपको क्लच देखने को नहीं मिलता है। अब दूसरी बात करें तो जो गियर लीवर है वो भी बहुत सिंपल होगा, उसमें 4 ही ऑप्शन होंगे। एक ड्राइव मोड होगा, दूसरा न्यूट्रल हो गया, तीसरा रिवर्स हो गया, चौथा पार्किंग हो गया। सिंपल था, इसमें आपको क्या करना होता है, अगर आपको ड्राइव करना है, आपकी गाड़ी खड़ी है, आपको ड्राइव करना है, आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे, ब्रेक पे पैर रखेंगे, ब्रेक को पुश करेंगे, और उसके बाद में जो है अगर आपको ड्राइव करना है तो आप जो है गियर लीवर से ड्राइव मोड को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे और आप ब्रेक पे से अपना पैर जो है वो रिलीज करते हैं धीरे धीरे, तो गाड़ी जो है आपकी मूव करने लग जाती है। फिर उसके बाद में जो है आप एक्सलेटर भर दबाइए। गियर जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में क्या होता है कि जो गियर बॉक्स जो होता है वो ऑटोमेटिक होता है, तो वो जो इस गाड़ी की स्पीड है उसके अकॉर्डिंग जो है ऑटोमेटिक जो है गियर अप या डाउन करते रहता है। तो यह हो जाता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अब यहाँ बात करते हैं अगर हम आईएमटी ट्रांसमिशन की, तो आईएमटी ट्रांसमिशन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए आईएमटी ट्रांसमिशन जो है वह अभी हाल फिलहाल में आया हुआ है। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि यह ट्रांसमिशन मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों का कॉम्बिनेशन है। यह मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए जैसे ऑटोमेटिक में आपको क्लच देखने को नहीं मिलता, वैसे ही यहाँ मैनुअल ट्रांसमिशन में भी आपको क्लच देखने को नहीं मिलता है। अगर आप बकायदा अगर आप एक आईएमटी गाड़ी के अंदर अगर आप बैठते हैं, आप उसे ड्राइव करते हैं, तो जब आपका ध्यान जाएगा क्लच की ओर, तो वहां पर सिर्फ आपको 2 ही पैडल मिलेंगे, एक होगा एक्सीलेटर का और एक होगा ब्रेक का। तीसरा जो पैडल होता है जो कि लेफ्ट हैंड पैर पर रहता है वो होता है क्लच का, वो आपको वहाँ देखने को नहीं मिलेगा। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरी बात अगर हम बात करें कि उसके गियर लीवर की, तो वहाँ पर सेम गियर लीवर जो है गियर नॉब जो है वो आपको मैनुअल ट्रांसमिशन जैसी देखने को मिलेगी। उस पर गियर की संख्या लिखी होगी, 5 गियर प्लस रिवर्स हो गया या फिर 6 गियर प्लस रिवर्स हो गया। तो यह प्रोसेस होती है आईएमटी ट्रांसमिशन में। जो गियर लीवर जो है यहाँ पर आपको जो गियर जो है खुद मैन्युअली लगाना पड़ता है, यहाँ ऑटोमेटिक गियर नहीं लगेंगे। बट यहाँ पर फायदा यह होता है कि आपको जो है क्लच का यूज यहाँ नहीं करना होता है, क्लच जो है खुद गाड़ी अपने आप जो है इंगेज कर लेती है, यूज कर लेती है जब भी आप गियर शिफ्ट करते हैं। तो अब आईएमटी से फायदा क्या, देखिए जो बम्पर टू बम्पर जो ट्रैफिक होता है वहां पर अगर आप गाड़ी चलाते हो, तो आईएमटी जो है कहीं ना कहीं मैनुअल ट्रांसमिशन से थोड़ा अच्छा ही साबित होता है।
AMT हो गया या IMT हो गया, दोनों, ये दोनों जो ट्रांसमिशन है ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के लिए बहुत अच्छे हैं, या फिर आप रिलैक्स होकर गाड़ी चलाना चाहते हैं, आपको क्लच का यूज़ करना ही नहीं है, तो भी ये गाड़ी बहुत अच्छी है, दोनों ट्रांसमिशन जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। अब बात करते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन के फायदे की। तो देखिए, मैनुअल ट्रांसमिशन के फायदे में मैं पहले आपको कहना चाहूँगा कि जो मैनुअल ट्रांसमिशन है, आप जब गाड़ी चलाते हैं आपको फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी मिल जाती है। दूसरी बात, गाड़ी जो है आपके कंट्रोल में रहती है, गाड़ी जो अंडर कंट्रोल रहती है, आप खुद डिसाइड करते हो कि गाड़ी को कौन सी स्पीड पर कौन सा गियर रहना चाहिए गाड़ी का, ये आप खुद डिसाइड करते हो। अब बात करें यही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की, तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में देखिए, गाड़ी आपके कंट्रोल में नहीं रहती, गाड़ी जो है खुद जो है सेंस करेगी, खुद जो है डिसाइड करती है कि गाड़ी को इस स्पीड में कौन से गियर में रहना चाहिए। आपके पास सिर्फ रहता है कि आपको ब्रेक, आप ब्रेक जो है वो यूज़ कर सकते हो और एक एक्सीलेटर यूज़ कर सकते हैं। अब बात करें फ्यूल एफिशिएंसी की, तो मैनुअल ट्रांसमिशन से थोड़ी कहीं ना कहीं जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो कम ही होती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसके फायदे क्या है, तो जैसे बम्पर टू बम्पर अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको गियर क्लच का यूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ ड्राइव मोड सेलेक्ट करना है, आपकी गाड़ी जो है खुद ब खुद चलेगी, बम्पर टू बम्पर में भी जो है आपको इतनी परेशानियाँ देखने को नहीं मिलती है। वहीं अगर अब हम अगर IMT की बात करें, तो देखिए IMT जो है अभी तो फिलहाल दो ही गाड़ियों में मिल रहा है, पर ऐसा नहीं है, IMT में भी जो है क्लच का यूज़ हुआ है, बट क्लच का यूज़ कहाँ तक हुआ है, वो यहीं तक के हुआ है कि जो गाड़ी जो खुद ऑटोमेटिक जो है वो इंगेज करती है क्लच को, या क्लच का जो है वो यूज़ करती है, आपके पैरों के पास में क्लच नहीं है कि आपको मैनुअल ट्रांसमिशन जैसा नहीं करना है कि पहले आपको क्लच दबाना है उसके बाद में आपको गियर चेंज करना है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं और अगर आप बहुत ध्यान से अगर उस गाड़ी को अगर महसूस करते हो, चलते हो, देखते हैं, तो जब आप गियर शिफ्ट करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि हाँ, आप गाड़ी में जो है क्लच का यूज़ हुआ है, गाड़ी ने जो है खुद जो है क्लच का यूज़ किया है और उसके बाद में जो है आपका गियर शिफ्ट हुआ है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें IMT जो अभी जो नया जो आया है ट्रांसमिशन, तो देखिए IMT ट्रांसमिशन भी बहुत अच्छा है कि मतलब मान के चलिए जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जो आप गाड़ी चला रहे हैं उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। यहाँ फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको जो है सफिशेंट मिल ही जाएगी, कहीं ना कहीं मैनुअल ट्रांसमिशन के आसपास जो है आपको फ्यूल एफिशिएंसी इसमें मिल ही जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई है वो आप जो है जानकारी सही से समझ पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, आपके जो सुझाव है वो आप हमारे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।